नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। आर्ट ऑफ लिविंग और स्वस्थ भारत युवा केंद्र द्वारा मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन श्री रविशंकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष में रखा गया। इस मौके पर करीबन 300 से 400 लोगों ने रक्तदान कर इसको सफल बनाया। इस मौके पर लोगों से अपील की गई कि रक्तदान कर लोगों की जान बचाने के लिए मदद करते रहे। तो आइए सुनते हैं इस विषय में क्या कहना है MLA कुमार एलानी का और स्वस्थ भारत युवा केंद्र के सदस्य का। हरिओम, आर्ट ऑफ लिविंग स्वस्थ भारत योग केंद्र के तरफ से आज राजावीर मंदिर में ब्लड कैंप का यहाँ पे आयोजित किया हुआ है। सवेरे से लेके अभी तक यहाँ पे 205 लोगों ने ब्लड डोनेशन दिया है। आज इनका टारगेट जो है 500 के आसपास में 5 बजे तक ब्लड डोनेशन हो जाएगा। जिन्होंने भी डोनेशन दिया है मैं उनको तहदिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनके भावना जो है किसी की जान बचे, ये ब्लड जो उन्होंने दिया है वो किसी के एक्सीडेंट के काम में आता है, थैलेसीमिया के बच्चों के काम में आता है, मिलिट्री में नौजवान जो हमारे वार लड़ते हैं वहाँ पे काम में आता है, गर्भवती महिला के काम में आता है। न जाने कितने आज अपने शरीर के पार्ट में कभी भी किसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशन में या किसी भी चीज़ में, ये ब्लड किसी की जान बचाने में काम आता है। आज इन सबको तो दुआएं मिलेगी, लेकिन जिन्होंने ये शुभ कार्य किया है, प्रदीप ओटवानी जी, उनकी टीम और राजावीर मंदिर, उनकी पूरी मैनेजमेंट, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सुमित चक्रवर्ती जी आज यहाँ पे आके इनका मनोबल बढ़ाया और हर चीज़ में इनके साथ में रहते हैं, चाहे खटुजा जी हो या पूरी टीम, उन सबको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे शुभ कार्य जो हमेशा करते रहे और करते रहेंगे, धन्यवाद। हरिओम, आज हमारे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और स्वस्थ भारत योगा केंद्र की ओर से हमारे राजावीर मंदिर सेंटर में ये ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है। 15 मई को पूजनीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के जन्मदिन के अवसर पर आज करीबन 2:45 हैं और 205 से ज़्यादा डोनेशन यहाँ पर हैं। और आज हमारे शहर के आमदार आदरणीय कुमार एलानी जी हमारे साथ हैं, उद्योगपति श्री सुमित चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, सबका साथ है, सब पब्लिक का साथ है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जिनकी मेहनत से ये सब कार्य हो रहा है, हमारे पूजनीय गुरु जी की कृपा है। ब्लड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है शहर में, बहुत ज़्यादा, यानी हम जितना इमेजिन कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा। तो मैं सभी शहरवासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे कार्यों में ज़रूर आगे आएँ। कोई भी संस्था, चाहे वो स्वस्थ भारत योगा केंद्र हो या कोई भी हो, हर ब्लड डोनेशन कैंप में आप आगे आएँ। जैसे लोग ब्लड के कारण किसी का जीवन न जाए, ये बहुत बड़ी सेवा होगी हमारे जीवन में। तो प्लीज़ सभी से अनुरोध है कि इस सेवा के लिए सब आगे आए। थैंक यू। हरिओम। हरिओम। कई लोगों को ऐसे लगता है कि सिर्फ हमें ब्लड डोनेशन कैंप में जाके ही ब्लड डोनेट करना चाहिए, पर नहीं, आप इस विचारधारा को चेंज कीजिए। जब भी आप डोनेट करते हैं 4 महीने के बाद कैंप हो तो अच्छी बात है, नहीं तो खुद जाके किसी न किसी ब्लड बैंक में जाके आप लोग डोनेट करके आइए। इस विचारधारा को अभी हमको बहुत आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।